वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का वीडियो है कुछ ड्राइंग के बारे में। तो आप लोग आज मेरे साथ ड्राइंग करोगे, तो इफ़ यू लाइक माय ड्राइंग व्हाट आई विल डू सो यू आल्सो प्लीज डू। और मैं बुक से सेलेक्ट करने वाली हूँ ड्राइंग, तो आई विल शो यू दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैं आ गई हूँ मेरे बालकनी में एंड आई एम सो सॉरी थोड़ा ये मेसी लग रहा है। सो यस, तो मैंने आपको मेरा ड्राइंग दिखाया था, तो मैं इस बुक से ले रही हूँ। द बुक्स नेम इज़ द बर्ड विद गोल्डन विंग्स। तो ये बुक अच्छा है एंड एक्चुअली ना मैं ये भी कर सकती हूँ। सो यस मैं ये करती हूँ, नॉट दिस वन विच आई शो यू, दिस वन। कि थोड़ा सुबह सुबह सा लाइक लुकिंग अप इट्स प्लेन द बेटर। लेट्स डू दिस। सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं करती हूँ मेरे एफओ साइड शीट पे एंड ये आप लोग सोच रहे हो मैं डॉक्टर से क्यों हूँ टाइम हूँ, तो एक्चुअली मेरे कलर्स हैं इसमें एंड ये रहा मेरा पाउच एंड यस। सो शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले बॉर्डर्स बनाएंगे, थोड़ा अच्छा लुक आएगा। तो बॉर्डर्स बना के मैं ये डिज़ाइन करूँगी, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। तो मैं बना ली अपना बॉर्डर एंड अभी मैं शुरू करने वाली हूँ ड्राइंग। सो गाइस अब मैं ये जो ऐसे जो कॉर्नर हैं ना, ये ऐसे अभी मैं रब कर दूँगी और इसे फिर स्केच पेन या फिर पेन से आउटलाइन करूँगी, फिर मिलते हैं। सो गाइस मेरा इतना हो गया है। अभी मेरे को सेम चीज़ इधर रिपीट करना है इधर। सो हाँ, और देखिए मैंने इसका आउटलाइनिंग भी कर लिया है। सो अभी आप लोग भी करिए ये वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये कर ली हूँ मैं। सो अभी इसे दूसरी तरफ भी करके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो देखिए मैं आपको स्टेप्स दिखा देती हूँ ये वाला फ्लावर करने के लिए। सो यस फर्स्ट हमें बड़ा सा एक ये बनाना है, उसके अंदर भी एक और जस्ट कॉर्न लाइक मूव इट ऐसे ऐसे ऐसे। देन इसके अंदर भी एक और इन द सेम शेप एंड एक और छोटा सा इसके अंदर। तो थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, यस करेक्ट कर लेते हैं नहीं तो वॉन्ट लुक गुड, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। एंड ये एक हो गया एंड ये दूसरा हो गया एंड ये तीसरा वाला भी हो गया है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको ये वाले स्टेप्स दिखा दिए थे, अभी मैं आपको ये पेटल्स के भी स्टेप्स दिखा देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है। अगर नहीं है तो थोड़ा 10 सेकेंड्स फॉरवर्ड कर लो आप। तो देखिए अभी मैं इसे थोड़ा टेढ़ा मैं ऐसे करके करती हूँ। तो पहले मैं इधर नीचे बॉटम से शुरू करूँगी फ्रॉम दिस। मैं मेरे ड्राइंग को उल्टा कर ली हूँ एंड अभी मैं बॉटम से शुरू करूँगी। आई जस्ट मेक अ हाफ पेटल फर्स्ट। तो उसके पहले मैं एक लाइन बना लेती हूँ इधर इधर एक लाइट सा ये वाले मेरे ये नीचे उल्टा करने के बाद ये वाले पेटल से सी। सो माई ड्राॅइंग इज़ लाइक दिस। अभी मैं इसे ऐसे उल्टा करके फ्रॉम दिस पेटल आई विल जस्ट मेक अ लाइट लाइन, सो आई विल गेट द एंडिंग पॉइंट वेयर आई हैव टू एंड माई पेटल्स। सो एकदम लाइट सा लाइन मैंने ऐसे ही ऊपर भी किया था। तो अगर आपको करना है तो यू कैन डू और लीव इट, क्योंकि मैं अभी कर ली हूँ नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यस
देखो मेरा आई थिंक ये थोड़ा बड़ा करना है, ये जो है आई थिंक आई हैव टू मेक दिस थिंग बिगर, तो उसे थोड़ा बड़ा करके आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस मैंने ये बड़ा कर लिया है और मैंने इसे बड़ा किया, जैसे मैंने ये इसका एंडिंग पॉइंट से लाइक स्टार्टिंग या एंडिंग इंटरनली एंड इसे ऐसे इधर तक ले गई एक स्ट्रेट लाइन बना के एंड द सेम थिंग डाउन आई डे, तो मेरे को पता चल गया मेरा स्टार्टिंग किधर है और एंडिंग किधर है एंड मेरे को अभी मेरे पेटल्स भी पता चल गया है लाइक एक पेटल इतना वैसे। सो यस विद पेटल्स बनाते हैं, तो फर्स्ट टाइम मेरे को स्मॉल पेटल लाइक हाफ पेटल सी मैंने ऐसे यहाँ पे बना दिया। अब मैं इसे ऐसे ही रिपीट लाइक ऐसे छोटा छोटा करती रहूँगी। सो दिस इज लाइक ईजी, आई होप आप लोग के लिए भी इजी होगा। तो देखिए ऐसे मैं करती रहूँगी। जो मेरे को गलत लगेगा मैं उसे रब कर दूंगी, एंड आई नो ये तो गलत ही हुआ है, तो आई विल रब दिस। एंड एक हाफ पेटल, सो ये थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे मैं तो यस अभी मिलते हैं ये स्पाइरल करके। तो गाइस मेरा सेम रिपीट हो गया है दूसरा, तो देखिए ये जो स्पाइरल है मैंने रैंडमली कर दिया है और अभी हमें देखिए ये हो गया है, अभी हमें ये नीचे का ये करना है। तो यस मिलते हैं उसके बाद दोनों तरफ करके। गाइस सो आई एम बैक, तो मैंने इतना कर लिया एक्चुअली डार्क हो रखा है क्योंकि शाम हो गई, एट थर्टी हो गया है। तो मैं थोड़ी देर मेरी फ्रेंड के साथ खेली थी और फिर नीचे गई थी एंड देन आई एट माई डिनर एंड अभी मैं कर रही हूँ ड्राइंग। सो यस चलिए शुरू करते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कितना कर ली हूँ। मैंने इतना कर दिया है, अभी मेरे को बोर्ड बनाना और फिर इधर लड़की बनाएंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी ये हो गया है कंप्लीट और ये अगर बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे, तो पहले हम लोग बर्ड बनाएंगे क्योंकि फिर हम लोग गर्ल का प्लेसमेंट करेंगे किधर करना है। तो हम शुरू करते हैं एंड हाँ तो आप तब तक टाइम लैप्स देखो। सो गाइस देखिए मेरा इतना हो गया, आई थिंक कि अच्छा आया है। तो अभी विंग्स थोड़ा बहुत इजी था, सो हाँ अभी ये जो मैंने यहाँ पे ऐसे लीव्स बना के किए अभी को इधर करना है। सो करते तो पहले ये सामने का पॉइंट रब कर देंगे, मैं आपको दिखाती हूँ इसे ऐसे पतला करना है थोड़ा ऐसे। और गाइस ये मत सोचना कि मैंने कोई की हेल्प ली है, एक्चुअली मैंने कोई की भी हेल्प नहीं ली है एंड ये मैंने किया है। ये फेस बहुत इजी था, इट वाज वेरी इजी टू डू एंड हाँ चलिए अभी इसे बस ऐसे करना है। फर्स्ट यू हैव टू रब द टिप, उसे थोड़ा पतला बना के बस ऐसे यूँ लीफ सा बना देना। तो मिलते हैं थोड़ा बॉडी कंप्लीट करने के बाद। सो गाइस देखिए मेरा बर्ड हो गया बड़ा, आई नो थोड़ा मोटा हो गया बॉडी, एकदम मोटा मोटा बॉडी बर्ड का।
But yeah, I am finding that it is okay. So अभी मेरे को इधर पोजीशन में करना पड़ेगा लड़की, क्योंकि लड़की इधर आ रही है इस तरफ. सो अभी चलो लड़की बनाते हैं. तो आपको मिलते हैं थोड़ा उसका फेस या कुछ करने के बाद. तो देखो हमें एक्चुअली एवरी टाइम फेस से शुरू करना चाहिए. तो अभी मैं फेस कर रही हूँ. तो गाइस मेरा हो गया है कंप्लीट. तो अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों से कल. तो कल करेंगे हम लोग कलरिंग. तो मिलते हैं कल. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड गुड नाइट. तो सी यू इन डे टू ऑफ कलरिंग. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय, गुड नाइट. सो वेलकम टू डे टू ऑफ ड्राइंग एंड कलरिंग विद मी. तो जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, yesterday, as I told you, कि हम लोग का मेरा ड्राइंग ख़त्म हो गया है. तो देखिए अभी मेरा ड्राइंग ख़त्म हो गया और मैंने आउटलाइनिंग भी कर ली है. और मैंने आउटलाइनिंग ब्लैक पेन से की है. मैं आपको दिखा देती हूँ. सो ये फ्लाईमैक्स का ब्लैक पेन है, तो मैंने इसके साथ किया है. अगर आपको करना है तो इससे भी कर सकते हो, स्केच पेन से भी. तो अभी मैं कलरिंग शुरू करूँगी. सो वेरी आई एम वेरी एक्साइटेड. तो बैकग्राउंड में सोची क्यों ना मैं पेंट से कर लूँ, तो थोड़ा अच्छा आएगा. पेंटिंग यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ, लाइक कुछ भी बैकग्राउंड कर सकते हैं. तो अभी चलो हम लोग करते हैं. तो फर्स्ट तो गाइस अभी मैं ऐसे येलो येलो भरूँगी. सो दिस इज़ नॉर्मल येलो. तो मैं पहले फेस से शुरू की हूँ यहाँ पे. तो मैं यहाँ विंग्स तक आई विल डू, बट देन फिर थोड़ा पुलिंग करना है जो है ऑरेंज से और थोड़ा रेड. तो ये मैं तब तक एक साइड का विंग कर दूँ, फिर नेक्स्ट साइड का विंग्स मैं आप लोग के साथ करूँ. तो मिलते हैं तब. सो गाइस देखो मेरा एक साइड हो गया है. मैं आपको अभी नेक्स्ट साइड दिखाती हूँ, बट अभी मेरे को इधर थोड़ा सा शेडिंग करना है, ये वाला ये पार्ट. सो मैं आपको दिखाती हूँ. तो पहले हम लोग ने ये पार्ट थोड़ा रेड रेड सा किया ऐसे, और फिर उन्होंने थोड़ा रेड को खींचा है और फिर ऑरेंज किया. एंड ये जो है ये मैंने ब्लैक ही कर दिया है, क्योंकि इधर एक्चुअली रेड सा कुछ है ये, बट छोड़ दो मेरा ठीक है. और इधर डॉट्स भी हैं, तो वो मैं पेंट से करूँगी. आप इसे थोड़ा पुल कर देते हैं. एंड ये जो लाइन है इसे थोड़ा रेड कर लेते हैं ऐसे. ये वाला लाइन भी. तो सारे जो ऐसे ये सारे हैं, ये पहले रेड हमें आउटलाइन करना है, फिर पुल करना है रेड को, और
ऑरेंज भी पुल करना है. सो आई जस्ट शो यू. ऐसे देखो, पहले मैंने आउटलाइन किया, फिर पुल किया, ये मतलब ऐसे लाइंस बनाई छोटे छोटे, एंड फिर मैं ऊपर से नीचे लेके आ गई ऐसे, तो कलर भी मिक्स हो जाएगा. एंड अभी जो ये पार्ट है इसे मैं आपको करना दिखाती हूँ. तो हम लोग ने ये आउटलाइन कर लिया, तो हम लोग ने अब ये आउटलाइन कर लिया. अभी हमें रेड करना है. We'll be right back.
गाइस देखिए, मैंने दूसरी तरफ भी कंप्लीट कर लिया है मेरे विंग दोनों तरफ, बट अभी मैं कोई इस तरफ करना है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले हम लोग रेड से आउटलाइन करेंगे थोड़ा सा इतना, देन पुल कर देंगे। तो इतना सा ही हमें उसमें करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो लेट मी फिल दिस स्पेस ओवर हियर, ऐसे मैं फिल कर देती हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर दूंगी एंड थोड़ा इधर नीचे इस तरह भी फील आना चाहिए है। ठीक है, तो अभी इसकी तरह लुक नहीं आया तो उसके लिए मैं ऐसे लाइन्स का स्ट्रोक देना पड़ेगा। ऐसे सेम थिंग हमें ऑरेंज से करना है। एक सेकेंड गाइस, हाँ तो ऐसे ही करना है और फिर मैं आपको मिलती हूँ मेरा टेल करके और लड़की भी। सो गाइस देखिए, मेरा इतना हो गया है तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोग को एक शॉर्ट शॉर्ट्स बना के एक शॉर्ट बना के आपको भेज दूँ जिसमें मेरा पूरा कंप्लीटेड ड्राइंग दिखेगा। आई विल सेंड यू आफ्टर आई थिंक, अभी कंप्लीट करने में थोड़ा दिन लगेगा। तो व्हेन इट गेट्स कंप्लीट आई विल सेंड यू। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को एंड subscribe to my channel. So see you in the next video. Till then, take care and bye bye.